ये बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। टैक्स फ्री नहीं होगी फिल्म द केरला स्टोरी। सरकार ने टैक्स फ्री करने के आदेश को किया रद्द। 6 मई को जारी किया गया था टैक्स फ्री का आदेश। प्रदेश में फिल्म को लेकर कई दिनों से जारी है सियासत। कांग्रेस ने फिल्म को टैक्स फ्री करने पर उठाए थे तमाम सवाल। ये खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। आपको बता दें मध्य प्रदेश से आ रही है जहां पर द केरला स्टोरी को टैक्स फ्री नहीं किया जाएगा। सरकार ने टैक्स फ्री करने के आदेश को किया है रद्द। 6 मई को जारी किया गया था टैक्स फ्री का आदेश। प्रदेश में फिल्म को लेकर कई दिनों से सियासत जारी है। कांग्रेस ने फिल्म को टैक्स फ्री करने पर उठाए थे तमाम सवाल। ये खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। आपको बता दें मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री नहीं होगी फिल्म द केरला स्टोरी। सरकार ने टैक्स फ्री करने के आदेश को किया रद्द। 6 मई को जारी किया गया था टैक्स फ्री का आदेश। प्रदेश में फिल्म को लेकर कई दिनों से जारी है सियासत। कांग्रेस ने फिल्म को लेकर टैक्स फ्री करने पर उठाए थे तमाम सवाल। छह मई को जारी किया गया था टैक्स फ्री का आदेश, आपको बता दें। और मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री नहीं होगी द फिल्म केरला स्टोरी। सरकार ने टैक्स फ्री करने के आदेश को किया है रद्द। 6 मई को जारी किया गया था टैक्स फ्री का आदेश। प्रदेश में फिल्म को लेकर कई दिनों से जारी है सियासत। कांग्रेस ने फिल्म को टैक्स फ्री करने पर तमाम सवाल उठाए थे। अब फिल्म मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री नहीं की जाएगी। तो आपको बता दें द केरला स्टोरी को लेकर तमाम तरह की बातें निकल कर आ रही थी सामने। आप बता दें आपको मध्य प्रदेश में द केरला स्टोरी टैक्स फ्री नहीं की जाएगी। सरकार ने टैक्स फ्री करने के आदेश को रद्द कर दिया है। 6 मई को जारी किया गया था यह आदेश टैक्स फ्री करने का, अब इस आदेश को रद्द कर दिया गया है। प्रदेश में फिल्म को लेकर कई दिनों से सियासत भी जारी है और कांग्रेस ने फिल्म को लेकर टैक्स फ्री करने को लेकर तमाम सवाल भी उठाए थे। तो आपको बता दें द केरला स्टोरी मध्य प्रदेश में अब टैक्स फ्री नहीं की जाएगी और सरकार ने टैक्स फ्री करने के आदेश को रद्द कर दिया है मध्य प्रदेश की सरकार ने, शिवराज सिंह चौहान ने। 6 मई को जारी किया गया था टैक्स फ्री करने का आदेश और जब टैक्स फ्री करने का आदेश जारी किया था प्रदेश में फिल्म को लेकर, तो इस पर सियासत काफ़ी गर्मा गई थी। कांग्रेस ने टैक्स फ्री करने को लेकर सवाल उठाए थे और अब प्रदेश में द केरला स्टोरी टैक्स फ्री नहीं की जाएगी। उस फैसले को रद्द कर दिया गया है जिसको लेकर कहा जा रहा था कि प्रदेश में टैक्स फ्री हो सकती है। 6 मई को जारी किया गया था टैक्स फ्री का आदेश, उसको रद्द कर दिया गया है। तो लगातार द केरला स्टोरी पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है, सियासत बढ़ती ही जा रही है। मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री नहीं होगी द केरला स्टोरी, ये आदेश जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री नहीं होगी फिल्म द केरला स्टोरी। सरकार ने टैक्स फ्री करने के आदेश को किया रद्द। 6 मई को जारी किया गया था टैक्स फ्री करने का आदेश। प्रदेश में फिल्म को लेकर कई दिनों से जारी है सियासत और इस खबर पर हमारे साथ शैलेंद्र पराशर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, जिस प्रकार से देखा जाए द केरला स्टोरी को मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री नहीं किया गया है, क्या कुछ अहम जानकारियां निकल कर आ रही हैं शैलेंद्र? जी बिल्कुल, जिस तरह से द केरला स्टोरी के ऊपर मध्य प्रदेश ने पहले फ्री किया था, टैक्स फ्री किया था, अब उन्होंने टैक्स हटा लिया गया लगातार बावजूद उसके बीजेपी द्वारा कॉलेज स्कूलों में फ्री बच्चों के लिए टॉकीज के लिए फिल्म भी किया गया। उनकी तरफ से फिल्म स्कूली छात्राओं के लिए, कॉलेज की छात्राओं के लिए फ्री दिखाने की मुहिम भी आज जारी थी। और एक बहुत बड़ी चीज है, जिस तरह शिकायत आपत्ति के बाद सरकार ने टैक्स फ्री हटाने का यह निर्णय लिया, तो काफी चीज उसके लिए कहीं ना कहीं विरोधाभास भी देखा जा रहा है और कांग्रेस उसकी जमकर आलोचना भी करती नजर आ रही है। शैलेंद्र, जिस प्रकार से देखा जाए टैक्स फ्री करने की बात को लेकर कांग्रेस इस पर सियासत कर रही थी, तमाम सवाल उठाए थे, अब टैक्स नहीं फ्री करने पर कांग्रेस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है? देखिए, जिस तरह से टैक्स फ्री को लेकर लगातार कांग्रेस पहले सवाल उठाती रही और शिकायतें भी दर्ज की, और वर्तमान में अगर देखा जाए तो द केरला स्टोरी को लेकर एक बीजेपी का ट्रम्प कार्ड भी खेला जाता, कई स्टेटों में भी ये फ्री किया गया था, आज मध्य प्रदेश में भी फ्री होने के बाद
हटाने के बाद एक ट्रम्प कार्ड ये भी सामने आ रहा है कि द केरला स्टोरी के ऊपर बीजेपी के द्वारा व्यक्तिगत रूप से अभी कॉलेज और छात्राओं के लिए उनके प्रवक्ता स्थानीय नेताओं द्वारा टिकट फ्री किए गए और उनके लिए स्वयं के नेतृत्व में आज जैसे नेहा बग्गा के नेतृत्व में 251 कॉलेज की छात्राओं को डीवी मॉल में यहाँ पर फिल्म दिखाई गई और सब लोगों के लिए प्रेरित करने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि प्रेरणा के लिए आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।